अजय देवगन का यशराज फिल्म्स की इस फिल्म में काम करने से इनकार। स्वर्ण जयंती उत्सव को लगा बड़ा झटका। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्क ने इसके लिए अभिनेता अजय देवगन ने अपनी जो तारीखें दी हैं, उनके चलते कम से कम दो बड़ी फिल्मों की प्लानिंग गड़बड़ा गई है। इनमें से एक फिल्म के लिए तो अजय देवगन ने ही ना ही कर दिया है, जबकि दूसरी फिल्म के लिए अभी तक स्थिति साफ नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जिस फिल्म को न करने के लिए अजय देवगन ने पूरी तरह मन बना लिया है, वह यशराज फिल्म्स की बैनर तले बनने वाली थी। यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने का जो जश्न साल भर चलना था, वह अपना रंग दिखाने से फिलहाल चूक गया है। कंपनी की दो फिल्में पठान और टाइगर 3 को लेकर जो भी सरगर्मी दिख रही हो, लेकिन इस स्वर्ण जयंती वर्ष की बड़ी योजनाओं का हिस्सा रही अजय देवगन की सुपरहीरो फिल्म का मामला अटक गया है। अजय देवगन को फिल्म में विलेन का रोल करना था और इस फिल्म से चंकी पांडे के भाई चिक्की पांडे बेटे आहान को बतौर विलेन डेब्यू करना था। ये फिल्म निर्देशक राहुल रवेल के बेटे शिव रवेल को निर्देशित करनी थी। यशराज फिल्म्स के लिए अजय देवगन ने पहली बार कोई फिल्म करने के लिए हामी बताते हैं बीते साल सितंबर के आसपास भरी थी। आदित्य चोपड़ा ने इसके लिए अजय देवगन से खास मनोहार की और अजय देवगन को भी फिल्म की कहानी में दम दिखा था, लेकिन कोरोना के चलते ये फिल्म आगे नहीं बढ़ पा रही थी और इसी बीच अजय देवगन को मिल गया चर्चित वेब सीरीज लूथर की हिंदी रीमेक का प्रस्ताव। इसमें भी अजय देवगन का रोल न बिल्कुल हीरो जैसा है और न बिल्कुल विलेन जैसा। अजय देवगन इससे पहले फिल्म खाकी में विलेन का रोल कर चुके हैं।